नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। धनबाद के डुमरिया टांड में एक मछली विक्रेता के ऑफिस में कुछ अपराधी घुसकर जबरन बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट की और फरार हो गए। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी हुई है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र डुमरिया टांड में मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर धनसार पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। घटना की बाबत बताया गया है कि पीले रंग की अपाची बाइक पर सवार तीन युवक मछली व्यापारी का कार्यालय खोजते हुए पहुंचे। मछली व्यवसायी ने बताया कि वह सुबह अपने पुराना बाजार दुकान से मछली का व्यवसाय कर तगादा का पैसा नगद लेकर अपने ऑफिस डुमरिया टांड में हिसाब किताब कर रहे थे। इसी बीच पीले रंग की अपाचे बाइक से तीन सवार जो हेलमेट और मास्क पहने हुए उनके ऑफिस के अंदर प्रवेश किए और दरवाजा बाहर अंदर से लगा दिए। बंदूक की नोक पर सभी पैसे और जरूरी कागजात अपने साथ ले गए। मौके पर धनसार थाना प्रभारी जयराम प्रसाद पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुटे होने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। ऑफिस में बैठे हुए थे, तीन लोग आए। कितने लोग आए? तीन। क्या कुछ लिए हुए थे? क्या सामान लिए हुए थे? कौन सामान? बंदूक। तीन, क्या तीनों के पास था? नकाब लगा हुआ। क्या ले गए? कुछ पैसा था वही ले गए। ये घटना आज जो है सुबह में 10 बजे सूचना मिल रही है कि वो आपको मछली व्यापारी हैं, उनको उनका ऑफिस में तीन सवारी किए हुए वो अपाची गाड़ी में आया और बोला रिवॉल्वर सटा के जो है कुछ पैसा लेने की बात बताई, लेकिन अभी नहीं बता रहे क्या पैसा है। कुछ रोकड़ जो है हमारा अलमीरा में रखा हुआ था वो लेके भागा, जो अपाची में तीन सवारी में था। एक ही अपाची? हाँ, अपाची था, आपको पीला रंग के जो है अपाची था। तीनों जो है अभियुक्त जो है आपको मास्क पहने हुए था। मास्क का हेलमेट? हाँ, मास्क का हेलमेट पहने हुए। कौन जगह ये हुआ? ये माता जी मंदिर जो है डुमरिया टा। हाँ, मनेटा वाला जाने वाला रास्ता जो है वो क्या साजिश? ये जो है आपको जांच का विषय है, क्योंकि जान पहचान बता रहा था वो जो है कि ये विपिन जो है, विपिन कौन है? विपिन ऐसे पूछ रहा था। विपिन इसका मतलब वो जानकारी है वो आदमी। हाँ, मछली के व्यापारी है। हथियार लिए हुए बता रहा था कि हथियार लेकर आया, जैसे बता रहे हैं लोग, उसमें हम लोग जांच कर लेते हैं क्या है।